माता होता आधा भोला। उफ, कितनी गर्मी पड़ रही है गब्बू। सही कह रहा है तू। ओए, देख देख टब्बू, वो देख पेड़ पे कितने पक्के पक्के आम हैं। टब्बू, सच कह रहा है गब्बू तू, लग रहा है पका पका मुझे बुला रहा है। सुनो बच्चों, बहुत देर से तुम्हारा बात सुन रहा हूँ। तुम लोग आम खाना चाहते हो तो खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ, लेकिन इस आम को खाने के लिए तुम दोनों को इस तार को फांग कर आना होगा। तुम दोनों को इस तार को फांगना पड़ेगा, लेकिन कांटेदार तार को कैसे फांगेंगे? मैं हूँ हाई जंप चैंपियन, लेकिन मैं तो चैंपियन नहीं हूँ गब्बू। मैं कैसे बगीचे के अंदर जाऊंगा? मैं कैसे आम खाऊंगा? तुझे नहीं खाना होगा टब्बू। तू कैसे इस तार के उस पर जाएगा हा? और कैसे आम के पेड़ पर चढ़ेगा? मेरे रहते हुए तू क्यों तकलीफ करेगा? तुझे तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझा टब्बू? इसीलिए तू देख मैं कैसे उछलकर उस पार जाता हूँ और मैं कैसे जाकर आम खाता हूँ, तू देख। या गब्बू, तू आम तोड़ने जब गया है तो मेरे लिए भी तोड़ कर लाना। टब्बू, आम बगीचे का मालिक बहुत अच्छा है, कितना सारा आम दिया है मुझे, लेकिन बहुत दुख की बात है, लेकिन तुझे एक भी नहीं मिलेगा। ओए गब्बू, गब्बू तू बिल्कुल ठीक नहीं किया है मेरे साथ। तू मुझे नहीं देकर खाएगा तो तेरे पेट में दर्द होगा। मैं उछल नहीं पाता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तेज दौड़ तो पाता हूँ। मैं अभी तुझे पकड़ लूंगा। रुक जा, बोल रहा हूँ मैं, तेरा आम मैं तेरे से छीन कर खाऊंगा। रुक जा गब्बू। मटू टब्बू, तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा। गब्बू, अब तू कहाँ जाएगा? मेरा चिंता मत कर टब्बू, ये नदी में लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप करके पार हो जाऊंगा। ठीक है गब्बू, मैं तेरे से हार नहीं मानूंगा, मैं ब्रिज से पार हो जाऊंगा। ये बहुत सुनसान जगह है टब्बू, यहाँ नहीं आ सकता है। अब मैं अपना आराम से खा सकता हूँ। गब्बू, गब्बू अब कहाँ चला गया हम? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? आवाज आ रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। आम खाकर तुझे क्या हो गया गब्बू? तू तो बहुत बीमार हो गया है, अब क्या करेगा? उस आम बगीचे का मालिक कितना शैतान है, मुझे कटन कट आम दे दिया। उस आम को खाकर मेरा पेट दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ वो आम मैं नहीं खाया। अब आम खाने के लिए मुझे और कुछ सोचना होगा। गब्बू मैं चलता हूँ। ये डंडा तो बहुत बड़ा बड़ा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस डंडे को अपने पैरों में बंद कर मैं अपने पैर लंबे लंबे कर लूंगा। पेड़ के जंग से ऊपर वाले डाल में मीठे मीठे पक्के आम होंगे। मैं जाकर
उस आम को तोड़ूंगा फिर खाऊंगा। कितने पके पके आम है, सारा आम मेरे कितने नजदीक है। अब मैं अपने पसंद का आम तोड़कर खाऊंगा। उस बगीचे के कच्चा आम अब मैं नहीं खाऊंगा। बेचारा गब्बू, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। अब जा रहा हूँ मैं उस गब्बू के पास। बेचारा गब्बू कच्चा और खट्टा आम खाकर उसके पेट में तो दर्द होने लगा। अब मैं उसके सामने जाकर अगर पक्के पक्के आम खाऊंगा तो मुझे देख देख कर चिढ़ जाएगा और उसके पेट दर्द के साथ साथ उसके सीने में भी दर्द होने लगेगा। वही होगा उसका सही साजा। अब मैं जा रहा हूँ उस गब्बू के पास, उसे देखा दिखा कर आम खाऊंगा मैं। पता है गब्बू, सच में ये आम बहुत मीठा है। जितना आम तेरा खट्टा था ये उतना ही ज्यादा मीठा है। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ गब्बू, खट्टा आम खाने के बाद मीठा आम नहीं खाते, समझा गब्बू? कितना मीठा है ये आम।